मेरा नाम केपी जनवा है, मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ। हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करें, और साथ ही साथ आप मुझे Instagram और Facebook और Telegram से जुड़ सकते हो। सभी के लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इतना अच्छा सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एक और नई वैकेंसी के बारे में। और दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि यहाँ पर आपसे दोस्तों DMLT मांगा गया है या MLT, जो भी स्टूडेंट है उसके लिए भी दोस्तों अच्छी खबर है यहाँ पर। और आज की इस वीडियो को दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अलग अलग पोस्ट हैं पे आपको देखने को मिलेगी। लैब टेक्नीशियन की हम पोस्ट की बात करेंगे, साथ ही साथ में हम LA पोस्ट की हम बात करेंगे, लैब असिस्टेंट की हम बात करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ में अलग पोस्ट है। और अगर दोस्तों आपके पास की लोकेशन है तो 100% आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि ये काफ़ी बढ़िया वैकेंसी आपको देखने को मिल रही होगी। और साथ ही साथ में दोस्तों, यहाँ पर हर एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे सैलरी भी ठीक ठाक है। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आपके पास की लोकेशन है तो आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए, फुल वॉच कीजिए। साथ ही साथ में हम हर एक चीज़ की डिटेल से बात करेंगे कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है, साथ ही साथ में ये किस विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकली है, और हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। साथ ही साथ में क्या आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और हर एक चीज़ की डिटेल से हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उससे पहले दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे, सारे ही लिंक मिल जाएंगे। आप चाहे तो मुझे कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हो। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर इस PDF को आपको डाउनलोड करना है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप जल्दी से टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर जाइए। और वहाँ पर काफ़ी सारे दोस्तों, एक अलग टेलीग्राम ग्रुप भी है, आपको वहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग नोट्स भी मिल जाएंगे, वो हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में केवल हम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको पोस्ट कोड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है गाइस, और यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिख रहा होगा। ये जो है पोस्ट कोड है, मतलब किस ये जो भी किस इस पोस्ट का क्या कोड है, तो ये पोस्ट कोड है, ठीक है गाइस। और उसके साथ ही साथ में दोस्तों, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे टेक्नीशियन फर्स्ट MLT, ठीक है गाइस, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है गाइस, MLT यहाँ पे आपसे मांगा गया है। यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन या कोई भी 12th क्लास के अंदर साइंस नहीं मांगा है। अगर आपके 12th के अंदर आर्ट्स भी है और आपने MLT कर रखी है तो आप भी इसके अंदर एक बार अप्लाई कर दीजिए, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, एक बार अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता है अगर आपकी नॉर्मल जो MLT है। और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है, आप कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे पास की लोकेशन बताइए, हमारे पास की बताइए, आप कमेंट कीजिए मैं किसके पास की लोकेशन के ऊपर वीडियो बनाऊँ, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है गाइस। उस ज़्यादा जिसका होगा उससे रिलेटेड अपन वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर अगर कोई वैकेंसी निकलती है किसी भी स्टेट के ऊपर या जो भी आपके पास की लोकेशन है। और फिर उसके बाद में नेम ऑफ द पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लैब टेक्नीशियन फर्स्ट, और पे लेवल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लेवल सेकंड 19,900 से 63,200 तक, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लेवल है। साथ ही साथ में अगर हम पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पे दो पोस्ट है, पोस्टें काफ़ी कम है, बट दोस्तों LA के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ में दोस्तों, अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो 12th क्लास इंटरमीडिएट पास साइंस सब्जेक्ट उस LA के अंदर, सॉरी गाइस, LA के अंदर कोई भी आपसे साइंस सब्जेक्ट नहीं मांगा है, इस DML इसके अंदर तो आपसे मांगा गया है, ठीक है गाइस, साइंस सब्जेक्ट विद 50% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है गाइस, बोर्ड एटलीस्ट डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT, ठीक है गाइस, आपकी होनी चाहिए, ठीक है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी DMLT होनी चाहिए। साथ ही साथ में दोस्तों, अगर एज लिमिट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एज लिमिट आपसे यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है गाइस। और उसके साथ ही साथ में दोस्तों, यहाँ पे एक और पोस्ट की हम बात करते हैं, ठीक है गाइस, वही समथिंग बिल्कुल सेम चीज़ ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बस कोड चेंजेस हैं, ये अलग पोस्ट है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन फर्स्ट की साइंस है, यहाँ पे लेवल 19,900 से 63, यहाँ पे दो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, और 12th पास इंटरमीडिएट पास आपकी 10th+2 12th क्लास होनी चाहिए, मिनिमम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ मिनिमम आपके 55% होने चाहिए, जो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड है वहाँ से आपके, अच्छा जो व्यवस्थित 12th क्लास आपकी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम कंप्यूटर आपका
इसके अंदर दोस्तों कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है गाइज। आपका अगर कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा है और आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक टेक्नीशियन की पोस्ट ही है। ये टेक्नीशियन की अलग अलग पोस्ट हैं जो इलेक्ट्रिकल के अंदर है, किसी के अंदर है, तो ये अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो, ठीक है गाइज। और ये हर एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा। ये असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे असिस्टेंट के लिए भी आपसे यहाँ पे मांगा गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये वैकेंसी कहाँ के लिए निकली है और किस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हैं ये एलए का भी यहाँ पे आपसे मांगा गया है। यहाँ पे एलए का 10th पास विद 50% दोस्तों, अगर 10th पास हो तो 50% आप इसके अंदर लेबोरेटरी अटेंडर इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिकल के अंदर, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो ये अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी, आपको काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, तो आप देख सकते हैं। आप अगर इसके अंदर भी अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 10th पास 15% मार्क्स, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ITI, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन एंड सर्टिफिकेट कॉल, ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। यहाँ पे एज लिमिट की 18 से 25 के बीच में। दोस्तों आप देख सकते हैं अलग अलग एलए की जो पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। साथ ही साथ में दोस्तों अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात करेंगे, लोकेशन और ये किसके अंदर दोस्तों वैकेंसी निकली है, यही सब कुछ हम डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है और जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो आप इस PDF को डाउनलोड करके दोस्तों पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे फॉर्मेट भी मिल जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वैकेंसी नहीं है, ये रेगुलर वैकेंसी है। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो MCQ के क्वेश्चन है वो कौन कौन से सब्जेक्ट से लिए जाएंगे वो भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है गाइस। ये आपको MCQ के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है गाइस। वही सेम टू सेम जनरल क्वेश्चन आपके MCQ के रहेंगे लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड। तो दोस्तों ऐसे में, और साथ ही साथ में दोस्तों अब हम बात करते हैं ये वैकेंसी कहाँ के लिए निकली है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। तो ये वैकेंसी दोस्तों निकली है, वो निकली है ICMR के अंदर वैकेंसी निकली है, ठीक है गाइस। ICMR की आपको फुल फॉर्म पता ही है, ICMR के अंदर वैकेंसी निकली है जोधपुर के अंदर, ठीक है गाइस। और एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है ये यहाँ पे दे रखा है। और ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग रेगुलर पोस्ट, ठीक है गाइस। ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड नहीं है, ये रेगुलर पोस्ट है, और ठीक है गाइस। और यहाँ पे अलग अलग आपको हमने वैकेंसी की बात कर ली। अब दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जो जारी हुआ है वो है 2/8/2023 को, ठीक है गाइस। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो जल्दी से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ में इसका जो लास्ट जो डेट आपको देखने को मिलेगी, लास्ट एप्लीकेट आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, वो कर सकते हो आप 31/8/2023 तक। तो दोस्तों आपके पास टाइम कम है, ठीक ठाक मिनिमम 25 दिन से ज़्यादा आपके पास है, तो आप इसको अप्लाई कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप सीधा ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। और अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।